अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सब माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अपने बच्चों पे हमेशा सलामत रहें, आमीन सुमा आमीन। आज व्यूअर्स हम बनाएंगे आलू के समोसे। सो आलू के समोसे के लिए हमें चाहिए 5 पोटैटोज, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून क्यूमिन या जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर लीव्स, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सॉल्ट। ये हमारे पास ग्रीन चिली है, उसको हम कट कर लेंगे। और फिर 2 गार्लिक के क्लोव्स और छोटा सा जिंजर का पीस। अब उसको हमने मैश कर लेना है। ये हमने ऑलिव ऑयल रखा है हमारे पैन में और इसके अंदर ही हम अपना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो अभी हमने बनाया था और अंदर डाल देंगे। ओके, और अब हम डाल देंगे ग्रीन चिली। ओके व्यूअर्स, अब हम सारे स्पाइसेस अंदर ऐड कर देंगे। ओके व्यूअर्स, जब मसाला ठीक बन जाएगा तो फिर इसके अंदर पोटैटोज डाल दो। ओके व्यूअर्स, अब हमारा मसाला रेडी हो गया, अब हम पोटैटोज अंदर डाल देंगे। ओके व्यूअर्स, जब हमारे पोटैटोज भी रेडी हो गए और अब पोटैटोज ठंडे होने के लिए रख देते हैं। ओके व्यूअर्स, ये हमारे पास 1 कप वाटर है, ये वाटर हम यूज़ करेंगे आटा के लिए। ओके व्यूअर्स, ये हमारे पास 3 कप्स ऑफ प्लेन फ्लावर है, 1/3 कप घी, हमने ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, घी यूज़ करना है, 1 टीस्पून अजवाइन। ओके, अब हम अजवाइन अंदर डाल देंगे। वन टीस्पून सॉल्ट, और फिर घी अंदर डाल देना है। और उसको अच्छी तरह उसके अंदर कंबाइन कर देना है। ओके, फिर थोड़ा थोड़ा करके बीच में पानी शामिल कर देना है। ये व्यूअर्स, जब आपको नजर आ रहा है मम्मा थोड़ा सा अंदर वाटर कर करके डाल रही हैं। और ऐसे ही हमारा डो रेडी हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, ये अब देख सकते हैं हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक कवर कर देंगे। ओके व्यूअर्स, अब हमारा डो रेडी हो गया था और हमने इसको और अब हम इसकी पीसेस कट करेंगे। और फिर उन पीसेस की हम बॉल बना लेंगे। ओके व्यूअर्स, अब हमारा मेज़ा ठंडा हो चुका है और अब समोसे बनाते हैं।
ओके व्यूअर्स, अब हमने इन बॉल को फ्लैट कर दिया था। अब हम थोड़ा सा प्लेन फ्लावर लेंगे और हमने फिर इसको रोल करके हाफ कर देना है। और फिर जैसे मम्मा कर रही है ऐसे आप निकाल लेना है और वाटर भी साइड्स पे लगाना है। और फिर पोटैटोज अंदर फिल कर देना है। और ऐसे ही हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे। ऐसे ही हमने सारे समोसे बना लिए, उनको फ्रीज कर देना रमजान के लिए। ओके व्यूअर्स, और ये हमारे पास ऑयल है और ये हमने थोड़े से समोसे लिए हैं फ्राई करने के लिए, बाकी हमने उनको फ्रीज कर दिया है। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया था तो हमने समोसे अंदर डाल दिए। और अब हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर रेडी हैं। अब हाफ डन हो गए हैं। ये व्यूज आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गए, इसका मतलब है रेडी हो गया। और अब हम इनको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इनकी शक्ल ही बहुत प्यारी लग रही है, देखो कितने अच्छे बने हैं, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ओके व्यूअर्स, इसके अंदर जो मेजा है वो बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा है। अब हम ट्राई करते हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलना। और जब आपके घर फ्राई बनेगा तो लोग बहुत ही खुश होकर जाएंगे जब आप ये समोसे दिखाओगे। और ये समोसे आपके 1 मंथ ईजिली चल सकते हैं, बेसिकली पूरे रमज़ान के लिए, और ये आपके लिए है बाइट। ओके, अल्लाह हाफिज़।